Good morning, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में कल जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ट्रांस साइटों के बारे में। ठीक, कल ही बताया था कि जब हम लोग बात करें ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन के बारे में, विघटन के बारे में, तो उसे हम जनरली चार स्टेप में कंप्लीट करते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। सेकंड स्टेप को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, जिसको भी हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल से पहले। थर्ड स्टेप था आप लोगों का क्रेब्स साइकिल, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये क्लास, क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट तो होते हैं, ठीक है। इसे हम और भी कुछ नाम से जानते हैं, जरूरी नहीं है। टीसीए मतलब तीन कार्बन, अच्छा इसलिए, चलो मैं भी बताऊंगी आप लोग के व्यू मुझे सुनने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, और किस नाम से जानते हैं इसे हम? सिट्रिक एसिड साइक्लिक नाम, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइक्लिक नाम से क्यों जानते हैं? देखिए अब मेरी बात सुनो, आप लोग जानते हैं क्रैब साइकिल मतलब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रैब, उन्होंने ही इसके हम ब्लड चक्र के नाम से जानते हैं। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब आप ये कह सकते हैं एक ऐसा चक्र है जिसमें ट्राई तीन कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बन का जो लॉस है वो तीन जगह हो बस, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे तीन जगह होती है, ठीक। दूसरी खास बात सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो इसमें बनता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, नोट डाउन करना कीजिए, अदरवाइज मैं हो गया। देखिए कल हम लोगों ने अपना जो ग्लाइकोलिसिस का वो छोड़ा था, तो ग्लाइकोलिसिस में अंतिम उत्पाद क्या बना था हमारा? ग्लाइकोलिसिस अम्ल, ठीक है, पाइरुविक अम्ल यानी कि पाइरुविक एसिड बना था, ठीक है। पाइरुविक एसिड को मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, पाइरुविक एसिड के बाद हमारे पास दो कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग एक कंडीशन को अब छोड़ देते हैं, हम लोग डायरेक्ट वायवीय कंडीशन की बात कर लेते हैं। वायवीय अगर कंडीशन है तो किसमें जाएगा फिर? कार्बोक्सिलिक, मतलब आपका जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं क्रेब्स साइकिल जो है आपका पाइरुविक एसिड से स्टार्ट होता है, जो कि गलत है। यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले आएगी आपकी लिंक रिएक्शन, जो मैंने आप लोगों को क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में एक टर्म लिखाया हुआ है ना, ठीक है। तो वहां की हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पाइरुविक अम्ल में, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, दैट इज अ डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस। आप चाहे
डिहाइड्रोजिनेशन कहें या इसका ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में हम क्या बोलते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हम लोग जनरली क्या करते हैं, डी है, डी माने कमी है, किसकी है, हाइड्रोजन आयन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है निकलेंगे कम होंगे। अब जब कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है इनको रिसीव भी कोई करेगा, रिसीव कौन करता है इनको है? अरे बताइए, कल भी बताया था एक और क्या बना देता है, ठीक है ये बना लेता है। अब चूंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आपका एक कार्बन लॉस भी होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं पाइरूविक अम्ल में कितने कार्बन कंपाउंड थे, ठीक, एक आप लोगों का यहाँ पर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन रह जाएंगे, ठीक है, और बनने वाला जो उत्पाद है वो होता है एसिटाइल, एसिटाइल। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक एंजाइम और ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं कोएंजाइम। ठीक है, जब ये इसमें ऐड हुआ है तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम। कोई परेशानी नहीं, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड का होता है, सिर्फ दो। ठीक है, इसमें सिर्फ दो कार्बन कंपाउंड होते हैं और कुछ नहीं होता। एक्चुअली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, लिंक रिएक्शन, लिंक अभिक्रिया बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, दूसरी खास बात, इस लिंक रिएक्शन का भी एक नाम होता है, दैट इज अ एसिटाइलेशन। यहाँ पे एसिटाइल बनता है ना, तो एसिटाइलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, मतलब पाइरूविक अम्ल का एसिटिलीकरण, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पाइरूविक अम्ल का एसिटिलीकरण हो जाता है। ठीक है ना, तो पाइरूविक अम्ल का एसिटिलीकरण का मतलब है यहाँ पर पाइरूविक अम्ल जो था वो बदल किसने गया है, एसिटाइल कोएंजाइम के। ठीक, तो अब आपकी जो प्रक्रिया चलती है क्रेब्स साइकिल वो यहाँ पर चलती है, एसिटाइल कोएंजाइम। कोई परेशानी, समझ में आया ना? तो यहाँ पर अब हमारे पास है टू कार्बन कंपाउंड, दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। से नोट डाउन करो, फिर हम अपनी पूरी क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए से चलाएं। ठीक, ठीक है, और जरा जल्दी लिख लीजिएगा।
ठीक है। अब देखिए क्लास, इसी चीज को हम एक टर्म देते हैं जिसे बोला जाता है ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सीकरण, जो मैंने आप लोगों को सेकंड पॉइंट लिखाया था। ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सीकरण का मतलब क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो ये कंडीशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भले ही होती है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं यूज नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था पाइरूविक एसिड के हमेशा दो पार्ट हो जाते हैं, मतलब या तो कंडीशन अलग अलग है पाइरूवी और वायुवी। वायुवी कंडीशन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकारी है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन लॉस हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं वी कार्बोक्सीकरण, यानी वी कार्बोक्सीकरण को लिखवाया जा रहा है। ये वो प्रक्रिया है लिंक रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड। समझ में आया ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज अ क्रैब्स साइकिल। ये चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी क्लास कि विघटित जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट तीन स्टेप में, चार स्टेप में होता है। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गया आज, अब हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज अ क्रैब्स
Thank you.
ठीक है, क्योंकि भाई वही वाली बात जो हम लोगों ने कल की थी, अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, 4 रुपए की कमी आई थी, उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प कर दी और बन गया पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड, उसका कंपाउंड, कोई परेशानी नहीं। तो अब आपका यहाँ पर आईसी सिट्रिक एसिड के बाद बनता है अल्फा ग्लुटामिक एसिड, यहाँ पर आपका एक कार्बन लॉस हो रहा है और साथ में आपका NADH+ बन जाता है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यह प्रोसेस हो रही है डिहाइड्रोजिनेज की, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा दैट इज आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक। अब क्या होता है, अल्फा ग्लुटामिक एसिड में फिर से प्रोसेस होगी डिहाइड्रोजिनेज की। डिहाइड्रोजिनेज मीन अब आपका फिर से एच आयन निकलेंगे, रिसीव करेंगे रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH, मतलब NAD+ ने किया और बनाया है NADH+H+। मैंने यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखा, जगह थोड़ी मेरे पास कम थी इसलिए डायरेक्ट शो किया है आपको, आपको उत्पाद में बना था, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज की प्रोसेस हो रही है, तात्पर्य यहाँ पर एक कार्बन लॉस और हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक और निकल गया। तो कहने की बात ये क्लास, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पर एक कार्बन लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर फिर से एक बन गया, ठीक। तो अब हमारे पास जो बनता है दैट इज सक्सेसिव कोएंजाइम के, कोएंजाइम ए का बनेगा जब हमारे यहाँ पर एक एंजाइम जो है कोएंजाइम ए ऐड होगा, तब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सक्सेसिव कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसमें भी एक आपका कार्बन लॉस हो चुका है, तो अब ये कितने का हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड का। हमने स्टार्ट किया था अपना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो था वो भी 4 कार्बन कंपाउंड का। तात्पर्य ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक अब एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, एक भी कार्बन लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितना लेके चल रहे हैं उतना ही हमारे पास आएगा, ठीक है, ये समझने वाली बात। खैर आगे चलते हैं, सक्सेसिव कोएंजाइम ए जो था, अब इस पर फिर से क्या होगा, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ऐड होता है, और ऐड हो रहा है तो मतलब क्या है, उसको कौन रिसीव करेगा, एडीपी बन क्या जाएगा, एडीपी, ठीक है ना। एक एडीपी ने रिसीव किया है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, बना दिया है एटी, और साथ में यहाँ पर जो कोएंजाइम ए था वो निकल गया। समझ में आया, आपका सक्सेसिव कोएंजाइम ए जो था अब चेंज हो जाता है सक्सेसिव एसिड में। सक्सेसिव कोएंजाइम ए को सक्सेसिव एसिड में चेंज करने के लिए जो एंजाइम काम करता है दैट इज द सक्सेसिव एसिड थायोकिनेज, किसी किसी बुक में से थायोकिनेज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सक्सेसिव एसिड थायोकिनेज एंजाइम जो है आपके सक्सेसिव कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है सक्सेसिव एसिड में, कोई परेशानी। आगे देखते हैं, इसमें फिर से प्रोसेस हो रही है डिहाइड्रोजिनेज की, लेकिन कार्बन लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अब जब क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज की प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब आपके इन हाइड्रोजन आयन को रिसीव करने के लिए एनएडी नहीं होगी, क्या होगी, एफएडी, ठीक। और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द FADH2, क्यों बना, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं बात बाद में बताऊंगी कि हम लोग जब NAD+ को 2H आयन के साथ कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NADH+H+ ये बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी आयन था ही नहीं, तो यहाँ पर एच आयन हमें शो करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया NADH+। किसी किसी बुक में ये आपको कहीं भी किसी बुक में देख लेना FADH+H+ में नहीं देखे, लेकिन जबकि आपके किसी किसी बुक में NADH2 देखने को जरूर मिल जाता है ना, जो थोड़ा सा गलत होता है वो नहीं लिखना चाहिए, अधिकतर जो लिखते हैं वो यही टर्म होता है, लेकिन मैंने सेकंड ईयर की बुक में देखा है यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली, ठीक है। तो अब इसको इसीलिए क्या किया, डिहाइड्रोजिनेज की प्रोसेस हुई है, मतलब इसमें से जब 2H आयन निकलेंगे तो बनते हैं FADH2, समझ में आया। अब हमारे पास जो बनता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड थोड़ा सा याद कीजिए क्लास, फ्यूमेरिक एसिड आपका ऑर्निथिन चक्र में बना था, और उस वक्त मैंने कहा था कि ऑर्निथिन चक्र में फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, किस तरह होता है वो हम कभी बात करेंगे, बताया था, ठीक है। इसलिए तो बोला था कि फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो किसमें चला जाता है, ट्रैप चक्र में, ये वहां मेंशन भी किया था, ट्रैप चक्र, ठीक है। तो फ्यूमेरिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड पर
बार अब एंजाइम वर्क करेगा फ्यूमरेज और इसमें से एक का आपका जो H2O है मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड हो जाता है, बन जाता है एल्मैलिक एसिड। ठीक, आपको सिर्फ इनके टर्म्स याद रखने हैं। एल्मैलिक एसिड में फिर से डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस होगी। हाँ, ये एल और एम जो होते हैं ना एक्चुअली ये आइसोमराइज होते हैं। ठीक है, समावयवी भी होते हैं ना शायद इनको हिंदी में। तो अब ये पूछ रहा है एल है या अल्फा है। अल्फा तो बनता है कुछ ए जैसा ना, ये एल है। चलो ठीक है, एल एल्मैलिक एसिड। ठीक है, ये आइसोमराइज होता है ना, तो एल्मैलिक एसिड बन गया आपका। एल्मैलिक एसिड में फिर से प्रोसेस होगी डिहाइड्रोजनेज की, एच आई निकले सी फॉर्म करेगा एनएडी प्लस, तो बन जाता है एनएडीएच प्लस एच प्लस। ठीक है, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलोएसिलिक एसिड में, ऑक्सलोएसिलिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है आपका एस्ट्रोजन। समझ में आया? तो इस तरह से एक चेन तो चलती रहती है, लेकिन इसमें बनने वाले जितने भी रिड्यूस्ड को एंजाइम होते हैं एनएडीएच प्लस एच प्लस, ठीक, ये दोनों साथ में एफएडीएच2, ये सब किसमें चले जाते हैं फिर आपके रेस्पिरेटरी चेन साइकिल। रेस्पिरेटरी चेन साइकिल मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें जाते हैं। ठीक है ना, हाँ ईटीएस। ठीक है, इसमें चले जाते हैं। तो आपको कुछ चक्र इस टाइप से देखने को मिलता है। समझ में आया? हालांकि ये सब चीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते थे, थोड़ा जल्दी इसको कवर कराया। ठीक, अब क्वेश्चन आप लोगों ने लिख तो लिया है ना सबने। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटीपी के बारे में। क्रैब साइकिल में एटीपी कितने बने हैं? कितने? 30। हाँ, तो अच्छा जो मुझे गिना सकता है आ जाओ और मुझे गिना दो। अरे किताब मत देखो, किताब मत। अच्छा सुनो, बस क्लास बस सुनो। पहली बात, पूरी क्रैब साइकिल में शुद्ध एटीपी हमें सिर्फ एक जगह मिला, ये हमारी बिल्कुल वाइटल मनी है। ठीक है, एक शुद्ध एटीपी मिला है। ठीक, कोई परेशानी नहीं। देखिए, इसके अलावा हमारे पास क्या है, बहुत सारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम ए है। कितने हैं अगर हम लोग काउंट करें तो 1, 2 और 3। ठीक है, हाँ है, पहले मैं एक को लिख देती हूँ उसके बाद ऐसे लिखूंगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमें 3 मिले हैं। अरे लिख तो लेना था नौ एच प्लस। ठीक है, इसके है मॉलिक्यूल 3, तो हमारे पास कितने हैं आपके 9 एटीपी। और यहाँ पर मैं इसको उठाकर यहाँ लिखूंगी, डायरेक्ट ऐड करने में आसानी रहेगी थोड़ा। ठीक है, एटीपी। ठीक है, वही क्योंकि 3 का क्यों मल्टीप्लाई किया है आप लोग जानते ही हैं, 1 NADH plus S plus जो है 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बराबर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने बात बताई कि अभी उन लोगों ने एक चीज ऐड नहीं की है, दैट इज द FADH2। ठीक, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ 3। ठीक, 1 FADH2 कितने एटीपी मॉलिक्यूल के बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। अरे बोल रहे हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ये होता है आपके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बस एक तो जरा अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक, ऐड कर लीजिए 12। अरे रुक जाइए थोड़ा, ठंड रखो। 12 एटीपी मिले हैं हमें क्रैब साइकिल से। क्वेश्चन यहाँ पे अलग है। ठीक है, क्रैब साइकिल से मिले हमें 12 एटीपी। आप भूल रहे हैं, इससे पहले मैंने
मैंने बताई थी एक लिंक रिएक्शन, एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुविक एसिड, उसमें भी डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस हुई थी कि नहीं हुई थी। तो वहां पर किसने रिसीव किया था? NADH+, ठीक है, और बनाया गया था NADH+ H+, मतलब यहां पर 3 ATP और मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट, टोटल कितने हो गए 15 ATP, ठीक है जी। अब आप थोड़ी सी बात और याद दिला देती हूँ, कल आप लोग शायद भूल रहे हैं, कल हमने जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनाए थे पाइरुविक अम्ल, कितने बनाए थे? दो। हमने लिए कितने पाइरुविक अम्ल? एक। तो जब एक से बन रहे 15, तो दो से कितने बन जाएंगे? 13, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कितने थे? 8, तो कितने हो गए? 38। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस का ही सिर्फ वो रहता है, ठीक है ना, वहां पर एटीपीज का वो नहीं रहेगा। एटीपीज जो बनते हैं सिर्फ 38 मॉलिक्यूल्स में। समझ में आया? किसी को परेशानी? सेकंड ईयर पीछे ऐसे बस ऐसे बैठे हो, बस सुना दो कहानी है फिर हम लोग जाए, छोड़ो फिर। एक्चुअली बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 36 बनते हैं या 38, वो चीज मैंने आप लोगों को यहाँ क्लियर किया है, इसलिए पूछ रही हूँ जिसे आप लोग उस चीज को भूले नहीं। इस कैलकुलेशन को लिखना है आप लोगों को, ऐसे मेरी शक्ल ना देखे, इसको लिखो पहले और लिख लेना एटीपी की कुल मात्रा, ऐसे करके एटीपी की कुल मात्रा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को लेकर किसी को भी डाउट है तो पूछिए, एनीवन, समझ में आया किसी पीछे? क्लास
बिकॉज जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस थी वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती थी, उसी प्रकार क्रेब्स साइकिल किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। हिंदी में लिख दूं? अच्छा बोलने के लिए बस इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ये प्रोटॉन का काम करेगा उसके लिए,
है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एनएडी जो है ये फिर से चेंज हो जाता है एनएडी प्लस में, और फिर काम बन जाता है डीसीए में। तो इनको रिसीव करना है ना बार 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 बार, तो ये एक तरीके से वाहक का काम कर रहे हैं। वाहक का मतलब क्या होता है, अपने जिस भी चीज को लेके जाना है मॉलिक्यूल को, उसको उस जगह तक पहुंचा, इसका खुद लौट के पहुंच जाता है अपने उसी जगह पर, है ना। तो सेम प्रक्रिया हो रही थी यहाँ पर, यहाँ के प्रोटॉन जो थे फिर जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ में, जहां पर लास्ट में बनेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई परेशानी। और यहाँ पर बनते हैं आपके हाफ ओ2, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, समझ में आया। चलिए क्लास, अब हम लोग बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन परिवहन पथ के बारे में। यहाँ पे ये साइटोक्रोम ए बी सी पार्ट सी ये सब चीज हो जाता है, और
ठीक है ना। तो आप लोगों को इसे सीखना है, बहुत इजी वाला मेथड सीखना है। अच्छा ठीक है, एक काम करें आप लोग, इसको तो लिख लो, इसको तो लिख लो, समझाएंगे ठीक है, इसको लिखो। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी वन, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, और ये ए थ्री। ए थ्री सबसे लास्ट में आता है, याद रखने वाली बात है, का सीक्वेंस नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। साइटोक्रोम इम्पोर्टेंट है, आप फेरस और फेरिक को एक बार कर दीजिए चेंज, लेकिन साइटोक्रोम नहीं चेंज करेंगे आप। अब पूछो ये चीज, ये क्यूबिनोन होता है, ये क्यूबिनोन क्यों है, चलिए क्लास पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।